हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. कैसे हो? हाउ आर यू डूइंग? हाउ इज योर जोश? हाउ इज योर हेल्थ? हाउ इज योर मोटिवेशन लेवल? एंड ऑन अ होल, हाउ आर यू डूइंग? आर यू एक्साइटेड? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? आर यू फीलिंग डल, डिप्रेस्ड, सैड? हाउ एग्जैक्टली आर यू फीलिंग? कैन यू राइट ऑल योर फीलिंग्स डाउन? Can we have a feeling day today, like a feeling day today? Good morning, guys. Good morning. अभी जब लेक्चर में आ ही गए हो तो सबसे पहले एक लाइक करो. चलो जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, और लेट्स सेलिब्रेट समथिंग विच इज कॉल्ड द फीलिंग डे टुडे. सो नाउ व्हाट इज दिस फीलिंग डे? व्हाट आर योर फीलिंग्स बिफोर एंड आफ्टर द लेक्चर? वुड यू प्लीज राइट इट डाउन ऑन द कॉमेंट सेक्शन फॉर मी, सो दैट वी कैन गॉज योर फीलिंग्स एंड डू समथिंग सुपर एक्साइटिंग एंड सुपर मोटिवेशनल फॉर यू. व्हाट डू यू से? यस, हाउ इज द आइडिया ऑफ राइटिंग योर फीलिंग्स प्री पोस्ट द लेक्चर एंड ओवरऑल योर फीलिंग्स ऑन द कॉमेंट सेक्शन? प्लीज गाइज, कम ऑन. And time pe aana hai, you know I never ever delay my lectures. So let's form a Vani class protocol. So you have to come on time. Number one, number two, the moment you come, you have to be like, just quickly click on the like button. And there's a share and a subscribe button also. You have to ring the bell icon also, just in case you've not already subscribed to our like super se bhi upar channel. Yes, agar aapne nahi kiya to fatafat se ek like, ek share, ek subscribe abhi ke abhi kar dijiye. Done everybody. Aur chalo shuru karte hain aaj ka matlab super se bhi upar kamal ka lecture on NCERT marking series. Let me tell you again and again, you might be taking this series a little, you know, chalo theek hai, बाद में देख लेंगे, या ठीक है कुछ और मेंटी कर लेते हैं जी, एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज छोड़ के मेंटी कर लेते हैं. डू यू इवन रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दीज सीरीज आर? डू यू नो द डायरेक्ट 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 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दीज एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज? इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 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 थिंग्स विच कैन हैपन ऑन यूट्यूब. जितने भी लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब में, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी मार्किंग सीरीज. सो मेक श्योर ऑल योर, you know, everything is marked on your NCERT. It is very important. Chalo, to aapne aaj kya karna hai? Sabse pehle like kar diya? Kar diya like? Perfecto, Gilletto, Villetto, our trademark. Yes, Perfecto, Gilletto, Villetto, aur bachcho ne laga diya Correcto. NCERT marking series, apni NCERT khol li hai, like, share, subscribe kar liya. Uske baad, I've told you, you have to write down your feelings. चलिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. लाइक आई टेल यू एवरी टाइम, सो मेनी किड्स अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द सिंपल टॉपिक एंड दे थिंक चलो ये है बायोडाइवर्सिटी है जी, नेशनल पार्क आएगा लिख लेंगे. बट राइट टिल द एंड, द लास्ट पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज विच आई एम गोइंग टू शो यू. सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कम फ्रॉम द लास्ट पेज. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, और एक बात आपको पता होनी चाहिए, इफ यू वांट टू बी इन टच विद अस, यू वांट टू टेल अस हाउ यू आर फीलिंग, यू वांट टू स्टे कनेक्टेड टू अस, यू वांट टू नो about the updates of all classes, you have to, without any, you know, delay, you have to subscribe to our Telegram channel. Like, share, subscribe हमारे channel को करिए. Telegram पे आइए Vedantu_BioTonic. और चलिए आज की superb class start करते हैं. The importance of species diversity to the ecosystem. Diversity क्यों important है? जो बच्चे मेरे crash Koreans हैं, right? So देखिए, मैं YouTube पे भी आपको ये बात बता रही हूँ, जो बच्चे मेरे crash Koreans हैं, उनको पता है species diversity पे मैंने पूरा 1.5 घंटा लगाया है. 1.5 hours I have spent on species diversity. सबसे important topic है. चलो, so species diversity जितनी ज्यादा होगी आपका ecosystem उतना ही stable होगा. थोड़े दिन पहले जब मैं ecosystem की class भी ले रही थी, तब भी मैंने आपको underline करवाया था, और आपको याद होगा कि जितनी ज्यादा diverse communities होती है, the more diverse the communities, the more stable is your ecosystem. So it's very important that the ecosystem is highly stable. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. But yes, the more the number, देखो food web उतना complex हो जाएगा. There will not be simple food chains कि इसने इसको खाया, इसने इसको. It'll become that much complex. And the more complex is your food web, the more stable it is. Because अगर आप एक दो चीजें निकाल भी दोगे, it's very complex. वो उसको नहीं तो किसी और चीज को खा लेगा. Cool. This is a question. Okay. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with less species. What exactly is stability? Extinction kam hona. What is stability? Write it down on your NCERT. Extinction ka rate kam hona. The rate of extinction is very less. That is the meaning of
Stability. Very good. Right. Now, in productivity from year to year, so what is it? What is stability? Abhi humne dekh liya hai. What exactly is stability for a biologically, you know, stable compound? Kya hota hai? Right. Now, stable wo hoga. It is either resistant or resilient to occasional disturbances. Ek community, ek ecosystem, stable hona matlab, jo bhi disturbance hongi, koi drought aa gaya. Right? Flood aa gaya, it is stable. It is able to come back to its natural state very fast. I'm going to mark whatever is important. We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provide some tentative, matlab, thode time ke liye answers. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. Ye question ek bahut tough level ka question ban sakta hai. Jo jyada, dekho beta, agar koi aisa area hai, ya agar koi aisa ecosystem hai, which is not very stable, drought aaya, sab jagah sukha pad gaya. Because maan lo, wahan pe succulents ki species nahi thi, wahan xerophytes ki species nahi thi, sirf hydrophytes type ki species thi, ya mesophytes thi. Hydrophytes wo hote hai, jo paani mein rehte hai. Come on guys, this is a very important concept. I want full attention in the class. Imagine aapko on YouTube, you're getting the best level of education. Like now, subscribe now and pay attention. So hydrophytes wo hote hai, jo paani mein rehte hai. Mesophytes wo hote hai, jo average desert or extreme, you know, tropical rainforest ke beach ka area, that's mesophyte. So, jo yaha par rehte hain, unko ye extremes hain. Ya to hydrophytes, ya aapka totally xerophytes. Par jo mesophytes hain beach ke hain, wo zyada der tak stable rahenge. Aur unke biomass mein kabhi koi change nahi aayega. Although, we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health, but imperative matlab bahut zaruri hai for the very survival of the human race on this planet. Hame biodiversity ki bahut zarurat hai. Aapko aapne wild type species suna hai? Wild type wo hota hai jo junglo mein paya jata hai, jo strongest hota hai. Aap abhi dekh rahe ho coronavirus ka invasion ho raha hai. Pay attention. So ho sakta hai koi na koi drug hame kisi ped paude se ya kisi aur janwar se mile, which is an antidote to coronavirus. So having species richness is very, very important. I'm expecting one question on species richness, right? So, ab kyunki hum bahut zyada species alarming pace mein ho rahe, we are in the middle of a, you know, of a extinction right now, mass extinction. Does it matter to us agar few species extinct ho jaye? This can form a direct MCQ. अगर species extinct होती रहेंगी तो gene pool कम होता रहेगा, gene pool वाला answer आता है इसका. अगर species extinct होती रहेंगी, it's a very technical topic बच्चों, dry topic है, technical topic है. ये मत सोचो कि यहाँ पर भी कुछ हंसी मजाक होगा, right? यहाँ पर question जो आएगा ना, उसमें 8-10 number, 12 number कम हो जाएंगे और seat चली जाएगी. तो ये मत सोचना that you know कुछ हंसी मजाक की class होगी, बहुत technical class है. And try to understand this because आपको घर पे ही अकेले समझ में आने वाला नहीं है. It is very tough, it is very challenging, right? तो अगर आपकी species extinct हो गई, gene pool कम होता रहेगा. और अगर gene pool कम हो गया, if the gene pool decreases, that means the species is going to become, the entire ecosystem is going to crumble down. That species is becoming extinct. Right, इनका मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा direct answer नहीं है, ये होगा तो ये हो जाएगा, because we have to see how adaptation occurs. Ecosystem में continuous adaptation होता रहता है, so we have to see how adaptation happens. There are no direct answers to such naive, मतलब जिनका कोई सर पैर नहीं है, बहुत simple questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. The rivet popper hypothesis used by Stanford ecologist Paul Ehrlich, MCQ direct. Right? मतलब पता है क्या होता है कि अगर देखो वो zip वाला कुछ होता है, अगर एक भी कोई भी चीज जो line से लगी हुई है popper, एक भी निकल गई तो वो अटक जाएगा. अगर आपकी zip होती है, अगर zip का कोई एक भी part निकल गया, आपने देखा zip अटक जाती है, ऊपर नहीं जाएगी then या नीचे नहीं आएगी. That's what he means to say that keystone species होती हैं जो दो ecosystems के बीच की होती हैं, उनको maintain करके रखती हैं. अगर आपने species को extinct कर दिया तो the ecosystem will not flourish, it will not move ahead.
All parts are joined together using thousands of rivets. Rivets are nothing but species. Bahut sari species interlinked hai. If every passenger traveling in it starts popping a rivet to take home, causing species to become extinct, it may not affect flight safety, proper functioning of the ecosystem initially. But as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak over a period of time. Rivet pata kya hota hai? Jaise jeans mein bhi aapne dekha jo aise aisa lohe ka lagaya hota hai. Riveting. Do part kapde ke leke usko aise humne, you know, in Levi's and all denims usko humne aise bandha hota hai. So agar aap ek ek karke inko nikalte rahoge, over a period of time, all of them are going to just, it'll just open. Like that, it'll crumble up, it'll open down. Very important, like this word has come in MCQs many, many, many times. Further, which rivet is removed may also be very, very critical. Loss of rivets on the wings. Key species that derive major ecosystem functions. Wings. Ek bhi wing mein problem hogi to plane fly nahi karega. Right. Serious threat to flight safety then loss of few rivets on the seats or the windows inside the plane. Koi choti moti species ka extinction ho gaya, koi farak nahi padta. Keystone species, the main one, which is maintaining the balance of the ecosystem. Keystone, yeah, apical predator aapne extinct karwa diya, lion tiger chale gaye. So obviously aapke deer ki population badh jayegi, jo sara herbivores ki population badhne ki wajah se sara productivity wala jo grass hai wo khatam ho jayegi. So obviously ecosystem ki functionality pe bahut zyada farak padega. Ye sunne mein bahut boring lag raha hai, it's sounding like ye kya class hai, but I can't begin to tell you jo sare tough questions hai jin pe logical analysis ki zarurat hai. That is what you have to understand. Ye jo analogy yahan likhi hai, where they're talking about wings of the plane, when they ask you a question like this in the examination, they want you to find out which is the most critical species, because the wings of the plane are most critical for flying. So when a question will come like this, you have to find out that out of the species which are given to you in the question, which is the most critical species. Loss of biodiversity. Okay, theek hai, to ek kaam karte hai, loss of biodiversity pe chalte hai, 1 second. Okay, loss of biodiversity. While it is doubtful if any new species are being added through speciation into the earth's treasury of species, there is no doubt about the continuing losses. Hame ye to pata nahi hai ki nayi species aayi hai ya nahi, but loss to ho raha hai. Jaise maine aapko bola, we are in the middle of a mass extinction. Hamare planet ki biological wealth is declining, aur sabse zyada karan iska hai human activities. Jab se tropical Pacific islands pe humans gaye hai, 2000 se zyada native birds ko humne extinct kar diya hai. Yes, IUCN red list jisme endangered birds or animals ke bare mein likha hota hai. 784 in species including 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants last 500 years mein humne extinct kar diye hain. Ye line 500% MCQ question aayega. Recent extinction hai dodo from Mauritius, quagga from Africa, thylacine from Australia, stellar sea cow. Jitne bhi mere crash koreans hai, maine ispe kitne question karwaye hain aapko pata hai? Crash koreans. And 3 subspecies, bala, javan, caspian of tiger. Right, bala? Bali ka tiger, Caspian ka tiger aur Java ka tiger humne extinct kar diya hai. Indian Asian cheetah humne extinct kar diya hai India mein. Right? So careful analysis of records kehte hain ki kitne zyada, you know, species humne extinct kar di. Ye sab ka naam red data book mein hai. Right? Okay. To abhi hum padhte hain in general loss of biodiversity. Chalo aa jao. Yes, ek kaam karte hain. Ye humne kar liya isse pehle wala. एक सेकेंड बच्चों, हाँ नहीं ये नहीं किया ना, ये किया. यस. सो और हमें पता है कि हम ऐसा रैंडम नहीं है कि मैमल एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये वो, ये मेरा मिस हो गया था ना, चलो इसको पढ़ते हैं. तो रैंडम नहीं है. सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस जो हैं, बिकॉज ये वेटलैंड्स में रहते हैं, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा वेराइटी है एम्फीबियंस की इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वेस्टर्न घाट्स में. ये सबसे ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एटलीस्ट 6 to 7 times MCQ question. और 15,000 species हैं जो threat of extinction में है, endangered species हैं. 31% gymnosperms, 32% amphibians, 23% mammals. पर ये important नहीं है, ये तो बहुत important है, amphibians बहुत important है. Is that clear?
तो हमें पता है कि ऐसा लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज, जैसा मैं तब से आपको एक वर्ड बता रही हूं, मास एक्सटिंक्शन, ये वर्ड कम से कम एमसीक्यूज में 5 या 6 बार आ चुका है. 5 to 6 times ये वर्ड मैं एमसीक्यूज में देख चुकी हूं, मास एक्सटिंक्शन. इज दैट क्लियर? जैसा मास एक्सटिंक्शन हम अब देख रहे हैं तो वो बहुत पहले अर्थ पर हमने देखा है. 5 episodes ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, पर ये जो अभी चल रहा है वो बहुत अर्ली हो चुका है. इट्स मतलब इतना जल्दी नहीं होना चाहिए, आफ्टर फ्यू मिलियंस ऑफ इयर्स होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन रेस इट इज वेरी अर्ली एंड टू मच ऑफ एक्सटिंक्शन इज हैपनिंग. राइट, हाउ इज द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली डिफरेंट? एमसीक्यू, 5 पहले हो चुके हैं, वी आर इन 6th मास एक्सटिंक्शन. एमसीक्यू, रेट 100 to 1000 times faster than in pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates. All the species on the earth, may say totally half of the species can be wiped out in the next 100 years. Is page se aap MCQ dekh rahe ho, kitne aayenge देख रहे हो? एमसीक्यू. प्लीज इनको, और इसके अलावा फाइनल डे वाले रिवीजन कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूं 100% वो पढ़कर जाना है. डन. चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते. इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, अगर एक रीजन में से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी क्या होगा, क्या होगा अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है? डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. यस, प्लांट कम हो जाएंगे, बिल्कुल. लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल परटर्बेशंस, जैसे ड्रॉट पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज द प्लांट स्पीशीज एंड द एनिमल स्पीशीज कुड टाइड ओवर देम. अब हो जाए, प्लांट्स आर नॉट एट ऑल, यू नो, दे कांट सस्टेन देमसेल्व्स, दे आर ससेप्टेबल टू सच कंडीशंस. राइट एवरीबडी? Increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycles. Itni zyada pest, itna locust ki populations itni zyada aggressive ho gayi hain that they wipe out fields after fields. What are the causes of biodiversity loss? 500% it is a MCQ question. There is no doubt in my mind that it is a MCQ question. 500% causes of biodiversity loss is a MCQ question. The accelerated rates of species extinction that the world is now facing. Human activities. There are 4. Evil quadrant. MCQ. Evil quadrant is used to designate what? Causes of biodiversity loss. Causes of population explosion. Causes of loss of life in the sea. Causes of loss of life on the land. It is a cause of biodiversity loss. MCQ. हैबिटेट ही नहीं बचा, हैबिटेट का आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज फेमस फॉर लेट्स से द नीलगिरी ताहिर, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, एंड द एलिफेंट. आपने बीच में 2 नेशनल हाईवेज बना दिए और आपने बीच में 4 ट्रेन के रास्ते बना दिए. तो अगर आप बीच में से 4 ट्रेन के ट्रैक बना दिए जिनमें से 50 ट्रेन जाती है या 20 ट्रेन आर गोइंग एंड 2 नेशनल हाईवे बना दिए, सो विल द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल सफर? एंड यू नो एलिफेंट्स इतने पर्टिकुलर होते हैं, उन्होंने एक बार जो रास्ता ले लिया वो बार बार उसी रास्ते से जाते हैं. दैट इज द रीजन वाई बेचारे सो मेनी एलिफेंट्स कम इन द वे ऑफ द ट्रेन ट्रैक्स और सो मेनी एलिफेंट्स गेट हिट बाय व्हीकल्स. राइट, सो दैट्स कॉल्ड इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन द हैबिटेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन. मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. राइट, कभी किसी जमाने में 14% था, now it is not even 6%. MCQ. आपको पता है Amazon rainforest में पिछले साल आग लगी थी? कितनी आग लगी थी? Yes or no? जब तक आपने चैप्टर पढ़ा है 1000 more hectares of rainforest would have been lost. सबसे बड़ा है आपका Amazon rainforest, lungs of the planet, MCQ. Millions of species है पर हम इनको destroy करते जा रहे हो for growing soybeans, grasslands, beef cattle, right? और सारे habitats को हमने destroy कर दिया है जिसकी वजह से survival of species has become impossible. छोटे छोटे fragments में कर दिया है. तो इन fragments में वो migrate कैसे करेंगे? Large territorial animals जो होते हैं who migrate from one part of the country to other, बीच में आप national parks, highways, flyovers बना दोगे, how will they migrate? Not
पॉसिबल. माइग्रेटरी हैबिट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है जिनकी वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन. वन हॉर्न राइनोसोरस के हॉर्न से आपको लगता है कोई बहुत ही अच्छी दवाई बनती है. सो यू आर किलिंग द वन हॉर्न राइनोसोरस फॉर इट्स हॉर्न इन द काजीरंगा नेशनल पार्क. ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज पोचिंग. टाइगर के क्लॉज के लिए उसको हंट किया जाता है. It's nothing but poaching. Many species become extinct in the last 500 years. Stellar Sika, a passenger pigeon, the one which used to have the message tied in the neck to take from one place to the other. You know, it was aggressively used even in World War II. Many marine fish populations around the world are over-harvested. Zyada bicharon ko salmons, tunas. ओवर हार्वेस्टेड. इनको इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है जब इनका एग लेइंग कैपेसिटी होती है तब इनको नहीं खाना चाहिए. यू शुड नॉट ईट देम ज्यूरिंग दैट टाइम. बट पीपल ईट देम इवन ज्यूरिंग दैट टाइम, देयर बाय इनडेंजरिंग देम. एलियन स्पीशीज इन्वेजन. 100% MCQ क्वेश्चन. राइट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन. मैंने एक बार बहुत पहले क्लास लेते हुए आपको बताया था टीपू सुल्तान इंडिया में सबसे पहला यूकलिप्टस का प्लांट लेकर आया था. हु बॉट द फर्स्ट यूकलिप्टस प्लांट टू इंडिया? टीपू सुल्तान. राइट, इन 1960s एंड 70s वर इंडिया वॉज नॉट वीट सफिशियंट, वी गॉट वीट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. अलॉन्ग विद दैट केम द पार्थिनियम प्लांट. और आज की डेट में लैंटेना और पार्थिनियम इंडिया का नंबर वन वीड है. इकोलॉजिकली इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अनस्टेबल करने वाला है आपका यूकलिप्टस, बिकॉज यूकलिप्टस पानी का वाटर लेवल को डिसबैलेंस कर देता है. लैंटेना के सीड्स इतने टॉक्सिक है दैट इफ द डियर ईट्स लैंटेना एंड इफ द टाइगर देन ईट्स द डियर, द टाइगर कैन ऑल्सो डाई. बानेरघट्टा नेशनल पार्क पे रिसर्च हुआ है दैट हाउ टाइगर्स हैव डाइड बाय ईटिंग डियर हु हैव ईटन Lantana. Parthenium does not allow any other plant to grow. It is very, very toxic. So, unintentionally, aisa nahi hum zabardasti laaye hain. Kai baar deliberately bhi ho sakta hai. We get these and inko hum local area mein dal dete, not realizing that they are very aggressive. Aas paas kisi ko bhi chalne nahi denge. The Nile perch, which was introduced in Lake Victoria in East Africa, led eventually to the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of chichilid fish. Jo mere pyare crash Koreans hai, chalo haath uthao. Itna pyara iska gif dikhaya tha. Bachcho, aapko bhi dikha denge. So, jo Nile perch hai, jab maine usko Lake Victoria mein dala, Nile perch ne local chichilid fish ko khatam kar diya. सारी के सारी खाली. इज दैट क्लियर? कैरेट ग्रास जिसको पार्थिनियम कहा जाता है, लैंटेना, वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया, इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं. ये सारा यूट्रोफिकेशन कर देती है. जिस भी लेक में उगती है यूट्रोफिकेशन कर देती है. वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया, वाटर पिस्टिया स्ट्राइटोट्स, वाटर लेट्यूस. Right? The recent illegal introduction of the African catfish, Clarias gariprinus, for aquaculture purposes imposing a threat to the indigenous catfish of our rivers. Rohu, Katla, yes, Mrigal, indigenous, local catfish, agar aap ye wali African catfish aapne dal di, to African catfish bahut aggressive hai local catfish ko. डिस्ट्रॉय कर देगी, दे उनके अंडे खा लेगी, उनको खा लेगी और सारा फूड भी खा लेती है. बहुत अग्रेसिव होती है. सो दिस इज अ इविल क्वाड्रेट. को एक्सटिंक्शन. फाइकस का पेड़ होता है, अंजीर जैसा उगता है, हाइपेनथोडियम. हाइपेनथोडियम की पॉलिनेशन कराता है ब्लास्टोफेगस इंसेक्ट. इज दैट क्लियर? सनबर्ड्स होते हैं, बीक बड़ी लंबी होती है, उनके लिए स्पेशली फ्लावर्स होते हैं. दिस इज को एवोल्यूशन, मतलब दो स्पीशीज ने एक साथ एवोल्यूशन किया है. इज दैट क्लियर? अगर एक भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो दूसरी तो एक्सटिंक्ट होगी ही होगी. व्हेन अ होस्ट फिश स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स. अगर चिचलिट फिश के ऊपर कोई पैरासाइट थे वो भी काम से गए. अनदर एग्जाम्पल इज द केस ऑफ प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म. अगर एक भी एक्सटिंक्ट हुआ, फाइकस एक्सटिंक्ट होगा तो ब्लास्टोफेगस इंसेक्ट भी एक्सटिंक्ट होगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? सो दिस इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन. अगर आपके सनबर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए तो ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर्स सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम theory as well as MCQ point of view. Narrow utilitarian, broad utilitarian, crash Koreans, बाकी regular बच्चे. बच्चों इतने detail में आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक line mark करवाई जा रही है. एक like नहीं हो रहा आप लोगों से अपने teacher के लिए, चलो बच्चों
कम ऑन, वन लाइक ऑन माई पेज राइट नाउ. चलो 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 जल्दी और लेकर आओ सबको और बोलो इसी चैनल पे आने और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. चलो बच्चों कम ऑन. देयर आर मेनी रीजंस, सम ऑब्वियस एंड अदर नॉट सो ऑब्वियस बट इक्वली इंपॉर्टेंट. तो इनको मैंने नैरो यूटिलिटेरियन, नैरो मतलब हम इतना सोच नहीं रहे, हम पारदर्शी नहीं है, हम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ब्रॉड थिंग. छोटा सा देख रहे हैं दैट ओके मुझे बड़ा फायदा हो रहा है. नैरो, broad and ethical, because we are humans, we have to be humane. So one is narrow, chota sa sochna, broad bada sochna, and one is ethical. The narrow utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Humans ko countless direct economic benefits milte hain. Khane ko milta hai cereals, pulses, fruits, firewood milti hai, fiber milta hai, jute ka, hemp ka, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैम्बू मिलता है, वुड मिलती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, टैनिंस, गम्स, रेजिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, परफ्यूम्स, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, चिंचोना बाग से. मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स. 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ट्रेडिशनल मेडिसिन्स. नोबडी नोज कि कितनी ज्यादा हिडन वैल्यू है. आज कोरोना वायरस फैल रहा है, हमें नहीं पता कोरोना वायरस का जो यू नो सम एंटीडोट टू कोरोना वायरस विल गेट from some plant. So you have to protect them. Increasing resources put into bio prospecting. किससे क्या चीज निकल सकती है? Genetic और species level पे हम पता कर रहे हैं. So जो भी nations हैं जिनके पास biodiversity बहुत ज्यादा है, obviously they are going to be benefited because the more the number of trees, the more the variety of trees, there is a better chance of finding some novel or new drug. हम इसको कह रहे हैं ना novel coronavirus. So a novel drug will also be found for the novel coronavirus. And very high probability is to find the drug from plants. Broad utilitarian kya hai? Ki aapko kitni ecosystem services nature provide karta hai. Broadly, right? Air you breathe, right? So Amazon rainforest hai, that gives you around 20% of the oxygen. Can you imagine? Kya iski koi economic value hai? जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं फ्री में दे रहे हैं. मैंने एक बार कहीं बड़ा अच्छा पढ़ा था दैट प्लांट्स गिव ऑक्सीजन इसलिए कोई लगाता नहीं, अगर वाईफाई लगाता होता या वाईफाई देता होता तो फिर तो हर घर में 50-50 पेड़ होते अगर फ्री वाईफाई दे रहा होता. बट अलास वो वाईफाई नहीं देता, वो ऑक्सीजन देता है, विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन गिविंग फ्री वाईफाई. Yes or no? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spends on a cylinder of oxygen, right? अगर पॉलिनेशन नहीं करेंगी बीज, आपको पता है कहते हैं ना अगर बीज 4 साल से ज्यादा अगर बीज की डेथ होगी तो सिविलाइजेशन और अर्थ पर लाइफ इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर मोर देन 10 इयर्स. बिकॉज अगर पॉलिनेशन नहीं होगी, पॉलिनेटर्स बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स, सो पॉलिनेशन के बिना बट ऑब्वियसली ग्रेन्स ही नहीं बनेंगे, राइट? और इनटैंजिबल एस्थेटिक प्लेजर्स जो आपको आनंद आता है वॉकिंग थ्रू थिक वुड्स, वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर्स, वॉकिंग टू अ बुलबुल सॉन्ग, कैन वी एवर पुट अ प्राइस टैग ऑन सच थिंग्स? द फ्रेश एयर, द ग्रीन ग्रास दैट वी वॉक ऑन, कैन वी पुट अ प्राइस टैग? नो. इज दैट क्लियर? एथिकल आर्ग्यूमेंट है दैट द अर्थ इज नॉट ओनली आवर्स, राइट? इंडिया में तो कहते भी वासुदेव कुटुंबकम, सबका है, right? So the earth is my family, the world is my family, so we have to share it with plants, animals, microbe species with whom we share this planet. Philosophically keh lijiye, spiritually keh lijiye, hame realize karna chahiye ki har ek species ka haq hai. सिर्फ आप ह्यूमन हो, एपेक्स में हो, सिर्फ आपका हक नहीं है. एंड वी हैव टू गिव इट इन गुड शेप टू आर फ्यूचर जनरेशंस. ऐसा अर्थ क्या दिया कि सेव करने के लिए नहीं. ग्रेटा थनबर्ग कहती तो है, राइट? कितना मतलब अच्छी एक्टिविस्ट, एंड शी सेज दिस कि आप मुझे दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, इसका कोई फायदा ही नहीं है जो आप मुझे दे रहे हो, बिकॉज यू आर ओनली गिविंग मी स्ट्रेस एंड टेंशन दैट आई हैव टू ब्रिंग बैक द अर्थ टू द स्टेट दैट इट वॉज हैंडेड ओवर टू यू. Is that clear? बच्चों एक बहुत ज्यादा आपको मैंने इंपॉर्टेंट बात बतानी है, बहुत ज्यादा. नीट का जो क्रैश कोर्स है ना, रेगुलर टेस्ट, संडे टेस्ट, रोज होमवर्क देती हूँ, अराउंड 20-20, 30-30 MCQs का. इनफैक्ट जो मेरे माइक्रो कोर्स होते हैं उसमें भी मैं रोज होमवर्क देती हूँ, एंड इतनी डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट सुन के सारे डाउट क्लियरिंग करके होता है. सो प्लीज डू ज्वाइन दी नीट क्रैश कोर्स, रैंक बोस्टर क्विजेज. लुक एट द प्राइस, just look at the price, 9024 only. vdnt.in/neetcc and vdneet is my
कूपन कोड. हाउ डू वी कंजर्व, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी. करें तो करें क्या, कैसे कंजर्व करें. इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन, यस सेक्रेट ग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए, व्हेन वी कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम इट्स बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल लेवल्स आर प्रोटेक्टेड. तो हमें सारे फॉरेस्ट को सेव करना है टू सेव द टाइगर, राइट. इन सीटू का मतलब होता है इन नेचुरल सराउंडिंग्स. तो जब भी मैं उसको नेचुरल सराउंडिंग्स में सेव करती हूं, आई एम गोइंग टू कॉल इट इन सीटू कंजर्वेशन. However, when there are situations where an animal or plant is endangered or threatened, मैं हो सकता है उस एनिमल या प्लांट को वहां से निकालूं. जैसे कोआला बेयर, अभी अफ्रीका में फॉरेस्ट लगी, बेचारे कोआला बेयर बहुत बहुत मतलब उनको कितना लॉस हुआ कैंगरूज का. हो सकता है मैं वहां पे निकालूं और किसी ऐसी फैसिलिटी में लेके जा सकूं जहां मैं उनका बर्न का ट्रीटमेंट करूं, या अगर यू नो दे आर अबाउट टू हैव चिल्ड्रन तो मैं कोई ऐसी फैसिलिटी रखूं जहां उनके बच्चों का भी ध्यान रखा जाए, या आर्टिफिशियल उनकी मेटिंग करवाई जाए टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन. सो व्हेन आई टेक देम आउट ऑफ द रीजन वेयर दे बिलोंग टू, आई कॉल इट एक्स सी टू कंजर्वेशन. इन सी टू डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में बहुत नेशंस को अनरियलिस्टिक लगता है, इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं लगता. जैसे इंडिया में भी मैंने सुना मिनिस्टर्स बोलते हैं कि यार एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनते हैं बाहर. तो आपको पता है एलिवेटेड कॉरिडोर्स लॉस एंजलिस में हॉलीवुड वाली जगह पे एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है. मतलब अगर ये नीचे सड़क है और ये नीचे घास फूस है तो जो फास्ट ड्राइविंग के लिए वो सड़क रही नीचे और ये एलिवेटेड कॉरिडोर, तो एनिमल्स को कभी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं. बट इन सीटू कंजर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर. वी हैव टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे नीड टू बी कंजर्व्ड इन देयर प्लेस. वो जहां के हैं, जहां बिलोंग करते हैं वही. इज दैट क्लियर. एंडमिज्म क्या होता है बेटा, आपने वेस्टर्न घाट देखे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है 100% इन सीटू एमसीक्यू का क्वेश्चन है 100%. तो वेस्टर्न घाट्स में कुछ स्पीशीज होती हैं लाइक द मालाबार टोकन और मालाबार ट्रोगोन भी है, जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता, राइट. अगर आप स्नो लेपर्ड की बात करो तो स्नो लेपर्ड सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर वाली हाइट्स में पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता. इनको एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. वाइल्ड यू नो रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस पाया जाता है जो दुनिया में कहीं पाया नहीं जाता. दीज आर कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज, राइट. और एक एरिया होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, 100% आएगा. 9 more have been added. Hotspot India में दो जगह है, Western Ghats and Eastern Himalayas. Eastern Himalayas is your red panda. गैंगटॉक वाला एरिया रेड पैंडा. हॉटस्पॉट्स वो एरिया है जहां पर जो स्पीशीज सिर्फ वहीं पाई जाती है और बहुत ज्यादा है. सो वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस और फ्रॉग्स की वैरायटी बहुत ज्यादा है एंड दीज आर द एम्फीबियंस और फ्रॉग्स विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स. सो दीज आर एंडेमिक एंड दे आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ईस्टर्न हिमालय इंडो बर्मा मलई आर्किपेलेगो, इंडो बर्मा बॉर्डर पे बहुत एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं. इज दैट क्लियर. ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, इमेजिन वो लेस देन 2% ऑफ द अर्थ एरिया है. तो आप सोच रहे हो सिर्फ 2% ऑफ द अर्थ एरिया में कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. आप बस ये सोचो 2% है और इनमें बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है. सो ये 2% एरिया को कंजर्व करना इज इट लाइक आर आर मेन एजेंडा. सो जब हम इन एरियाज को कंजर्व करते हैं, व्हेन आई एम गोना कंजर्व द मलय आर्किपेलेगो, व्हेन आई एम गोना कंजर्व द इंडो बर्मा बॉर्डर, व्हेन आई एम गोइंग टू कंजर्व द वेस्टर्न घाट्स इन द ईस्टर्न हिमालयस, आई एम गोना कॉल इट इन सीटू कंजर्वेशन. कहां गया ये रहा? इन सीटू उस एरिया को और उस एरिया के अंदर जितने एनिमल्स हैं उस एरिया को कंजर्व करना कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन. इंडिया में सेक्रेट ग्रोव्स भी, आपको पता है बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में जो यू नो ब्लैक बक्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है. सो इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजंस लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फेयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज. इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. एमसीक्यू में एटलीस्ट 20,000 टाइम्स आ चुका है. हमारे कल्चर में ट्रीज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, मैंग्रोव ट्रीज को, पीपल के पेड़ को, बनियान के ट्री को प्रोटेक्ट किया जाता है. दीज आर काउंट द सेक्रेट ग्रोव्स. सो खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय,
बिश्नोई कम्युनिटी का नाम ले रही थी, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, एंड द सरगुजा चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश. बस्तर इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड, वहां के ट्राइबल्स बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करते. डोकरा मेटल क्राफ्ट भी वहां किया जाता है. इट इज अ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑल्सो, मतलब वो बहुत ऐसे नाम दिया हुआ इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट नहीं है, बट उस छोटे से एरिया में बहुत कंजर्वेशन इफेक्ट हो रहा है. इन मेघालय द सेक्रेट ग्रोव्स आर द लास्ट रेफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स. सो ये सेक्रेट ग्रोव्स के सारे नाम याद कर लीजिए. ग्रोव, ये वो एरियाज हैं जहां के ट्राइबल्स, सिंस दे आर कल्चरली प्रोटेक्टिंग, दे वर्शिप द ट्रीज, दे वर्शिप द फॉरेस्ट, दे डोंट अलाउ एनीबडी टू गो इनसाइड. यू नो इट वाज अ बिश्नोई कम्युनिटी ओनली जिन्होंने ब्लैक बक हंटिंग पे सलमान खान पे केस किया था, एंड दे सॉ हिम हंटिंग द ब्लैक बक. इज दैट क्लियर? सो दे आर वेरी वेरी प्रोटेक्ट XC2 zoos. जो लोग मैसूर में रहते हैं उनको पता है zoo मैसूर में है, botanical gardens, right everybody? So that means जो प्लांट्स और एनिमल्स आपने कंजर्व करने हैं वो उनकी जगहों से लेकर आकर सिटीज में टू रेज इवन अवेयरनेस अबाउट देम, यू कंजर्व देम इन XC2 कंजर्वेशन. यहां पे सफारीज होती है, कई लोग जाते हैं देखो थाईलैंड मलेशिया वगैरह, तो वो टाइगर वगैरह के साथ फोटोज खिंचाते हैं. बट it is not ethical, but it is not the right way to do it, it is not human to do it. In recent years XC2 conservation had advanced beyond keeping the threatened species in enclosures. ab kya karte hain hum aajkal, this is good, hum inke gametes le lete hain and we artificial insemination wagaira karte hain, क्रायो प्रिजर्वेशन, इनके एग्स को प्रिजर्व करने का, एग्स को फर्टिलाइज करने का, टिश्यू कल्चर मेथड से प्लांट को यू नो ग्रो करने का तरीका हम कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. सो जूज बोटानिकल गार्डन्स में कुछ बहुत इंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं. ऊटी में बहुत बोटानिकल गार्डन्स है, मैसूर जू इज वेरी फेमस. बट आइडियल इज जो एनिमल है उसको उसी के एरिया में, एरिया के साथ ओपन में इन सीटू कंजर्वेशन किया जाए. बट दीज थिंग्स वेर यू आर ट्राइंग टू ग्रो देम, उनके गैमीट्स हार्वेस्ट करो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करो, वेर यू ट्राइंग टू डू क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ द जाइगोट, जहां प्लांट्स का टिश्यू कल्चर कर रहे हो, दिस इज अ गुड आइडिया. सेक्रेट ग्रोव्स आपको पता होना चाहिए, पूरा आइडिया सेक्रेट ग्रोव्स का है कि उस प्लांट, उस पूरे एरिया को, खासी जयंतिया, दोज हिल्स विच आर द लास्ट रेफ्यूज ऑफ दोज प्लांट्स, हम उस पूरे एरिया को सेव कर लें. बायोडाइवर्सिटी की कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं है, उसकी कंजर्वेशन एक कलेक्टिव ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, एटलीस्ट 5 times MCQ क्वेश्चन, एंड सारी कंट्रीज को बोला गया था कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाइए, ऐसे गोल्स, ऐसी ग्रोथ करिए जो आप इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबल हैं. Is that clear? Understood? In a follow-up, the World Summit on Sustainable Development was held in 2002 in Johannesburg, South Africa. 190 countries pledged their, you know, commitment to achieve by 2010. A significant reduction in current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels. Global level pe biodiversity loss rokna hai, region pe, Asia Pacific level pe, and local Western Ghats mein, India local areas mein, we have to stop the biodiversity loss. Simple chapter, but I hope I've been able to tell you kis type ke questions aate hai. Done everybody, maza aaya bachcho? Agar maza aaya to ek like karke jao please. वन लाइक बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज, वानी मैम के लिए एक लाइक तो बनता है. अगर मजा आया तो चलो वन लाइक राइट नाउ. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर अमेजिंग चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू रेस टू पावर इन्फिनिटी. मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ क्लास लेके. टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी, बाय.